स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के साथ। जैसे कि सभी छात्रों को पता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का जो भी अपडेट होता है इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित कर दिया जाता है। जो भी छात्र अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी चैनल से जुड़ जाइए। और चलिए आज बात करते हैं कि VKCU में जो न्यू एडमिशन 2020-23 का हो रहा है, ये आपका एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन आपको ऑनलाइन एडमिशन हो जाने के बावजूद भी आपको कॉलेज में जाना है एक न एक दिन एडमिशन का प्रोसेस पूरा 100% करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जिन छात्रों का ऑनलाइन पोर्टल पे, यानी आप जब भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड कर लॉगिन करके पोर्टल पे आप जाते हैं तो पोर्टल के सामने आपका एडमिटेड लिखता है और एडमिटेड के आगे नीचे एक डेट लिख रहता है कि डेट, इस डेट को आपका एडमिटेड हो चुका है। जब भी आपका कॉलेज से कंफर्मेशन आ जाता है, आप पेमेंट करके कॉलेज पर कंफर्मेशन भेजते हैं कॉलेज को, तो कॉलेज आपको एडमिटेड शो करने लगता है। आप जब भी लॉगिन करते हैं तो एडमिटेड लिखेगा, इसके बाद सामने प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखेगा। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी वहां पे नहीं होगा, सेम प्रोसेस वहीं ओपन होगा। तो एडमिटेड लिख दिया है तो बहुत से छात्र अब मैसेज कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन और सत्यापन के बारे में कुछ बता दीजिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नोटिस एक दिन पहले निकला था कि उपबंधित होगा ऑनलाइन नामांकन, स्नातक पार्ट वन का ऑनलाइन नामांकन उपबंधित यानी प्रोविजनल होगा। विद्यार्थियों का जिस कॉलेज में नामांकन होगा संबंधित कॉलेज द्वारा एक समय सीमा के भीतर छात्र छात्राओं के सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के उपरांत ही कागजात एवं विषय का सही पाए जाने पर महाविद्यालय में उनका नामांकन पूर्ण माना जाएगा। ऑनलाइन नामांकन के समय ही छात्रों के इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि उनका नामांकन पूर्णतः अपबंधित है। सारे कागजातों का सही पाए जाने पर उनका नामांकन पूर्ण माना जाएगा। किसी भी छात्र छात्रा का कागजात गलत पाए जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लग सकता है। इससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि पार्ट वन 2020-23 नामांकन हेतु महाविद्यालय में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात आपको संलग्न करना है। मैट्रिक का अंक पत्रण यानी मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है, अंक दिया रहता है, वो आपको मैट्रिक का अंक पत्रण आपको लेकर जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैट्रिक का यही आप जैसे आपका स्क्रीन पर ये मार्कशीट दिख रहा है, ऐसे ही आपको मार्कशीट लेकर जाना है। ये इंटर का मार्कशीट है, ऐसे ही आपको इंटर का मार्कशीट लेकर जाना है। यानी आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नंबर फाइनल हो गया आपके पास है, दूसरा नंबर इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र की छाया प्रति। हो भी सकता है कि आपका इंटर का जो एडमिशन रसीद होता है, आप जहाँ पे एडमिशन लिए हैं इंटर का, तो वहाँ का एडमिशन रसीद हो सके तो लग सकता है इंटर का यानी प्रवेश पत्र। अब चलिए बात करते हैं कि इंटरमीडिएट का अंक पत्र यानी इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति। तो पंजीयन क्या होता है आप समझिए, देखिए पंजीयन ये होता है कि आप कॉलेज से पंजीकृत होइए, आप कॉलेज से एक बार पंजीकृत हो जाते हैं, यानी VKCU आरा के आप यदि छात्र बन रहे हैं तो एक बार आपको पंजीकृत होना पड़ता है, आप उस कॉलेज से जुड़ना पड़ता है। हो सके तो आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको ये पंजीयन प्रमाण पत्र मिलेगा, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये 12-13 जो भी डॉक्यूमेंट होगा, 5-6 डॉक्यूमेंट होगा, आपको इसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके वहाँ पे जमा करना होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र ये आपको कॉलेज से मिलेगा और आपको वहीं से भरना है, भरकर जमा करना है। अब चलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी आपका ये TC जो मिलता है आपके कॉलेज से, यदि आप उसी कॉलेज से हैं और उसी कॉलेज में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको TC लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसी कॉलेज के छात्र हैं और उसी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं तो आपको TC लेना नहीं है। यदि आप दूसरे कॉलेज से हैं और दूसरे कॉलेज में ग्रेजुएशन का एडमिशन लिए हैं तो आपको TC लेना अति आवश्यक है, उसी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि औपबंधिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी एक प्रोविजनल जो होता है मार्कशीट के साथ, आपको इंटर का जो मार्कशीट आप देख रहे हैं, इंटर का मार्कशीट देखने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सभी लोग से विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। कभी भी आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर का बारे में जरूर बताइए, ताकि आपका जो भी अपडेट होता है इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से जरूर जुड़िए। फेसबुक यदि आप चलाते हैं तो
सिवारा सर्च कीजिए, आपके सामने लोगो ऐसे ही आएगा, आप फेसबुक ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रोविजनल क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रव्रजन यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके एक नीचे और इसमें एक अटैच रहता है, यहाँ पे हम दूसरा ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ऐसा ही आपका मार्कशीट के साथ एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, उसी को आपको लेकर जाना है, टू कॉपी लेकर। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। बहुत से छात्र जब ऑनलाइन एडमिशन ले रहे थे तो बोल रहे थे कि जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपने ब्लॉक जिला स्तर पर जाकर जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। जनरल है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप BC1 BC2 SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आवश्यकता है। आप जाति प्रमाण पत्र हो सके तो जल्दी से जल्दी बनाकर रख लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन नामांकन की छाया प्रति, जब भी आप ऑनलाइन एडमिशन लिए होंगे तो साइबर कैफे या आपको ऑनलाइन आवेदन जो आप लॉगिन पे पोर्टल पे लिख रहे हैं कि आवेदन पत्र डाउनलोड, यानी वहीं पर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा लीजिएगा। यानी यहाँ पे ऊपर बार कोड लिखा रहता है, URN नंबर होता है, फोटो रहता है आपका, नीचे स्कूल डिटेल्स, यानी आपका जब भी ऑनलाइन हुआ था तो एक जो प्रिंट निकला था उस प्रिंट को आपको लेकर जाना है। यहाँ पे आपको हो सके तो पंजीयन प्रमाण पत्र जो वहाँ पे कॉलेज पे भरेंगे वहाँ पे ईमेल आईडी लग सकता है, आधार कार्ड की उसमें नंबर लग सकता है। इसके बाद ऑनलाइन नामांकन रिसीविंग की छाया प्रति, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन ये नामांकन हुआ है तो इसका ये छाया प्रति जो एडमिशन स्टेटस से आप निकाल सकते हैं। बहुत से छात्रों को पता है, नहीं पता है तो आप सब वीडियो देखिए, सभी वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। अब इसके बाद आप लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट, यहाँ पे बैंक पासबुक का जो छाया प्रति, ये आवश्यकता नहीं है उतना। इसके बाद फोटो एक या दो लग सकता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म आप भरेंगे वहाँ पे तो मोबाइल नंबर लग सकता है। इसके बाद अन्य बोर्ड के लिए माइग्रेशन की छाया प्रति, यदि आप देखिए माइग्रेशन क्या कराता है, यदि आप UP बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड में नामांकन ले रहे हैं तो आपके पास माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपका ओरिजिनल बिहार में जमा हो जाएगा। यदि आप झारखंड के छात्र हैं, बिहार में एडमिशन ले रहे हैं तो झारखंड का आपका माइग्रेशन बिहार में जमा हो जाएगा। बिहार के छात्र हैं, बिहार से यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि शुल्क रसीद की छाया प्रति, यदि आप अपने कॉलेज में जाकर फी जमा किए हैं तो उसका हो सके तो आपका प्रिंट लग सकता है। तो आई होप कि इतना बात आप समझ लिए होंगे पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरह से। तो डॉक्यूमेंट समझ लेने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आप एक जगह रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र ऐसे होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है समझ लिए होंगे। तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।